एसोसिएशन में हम एसोसिएटिव या नॉन डायरेक्टिव थिंकिंग को इस्तेमाल में लाते हैं। फिर उसके बाद है कि स्टेजेस ऑफ थिंकिंग क्या होती हैं। सबसे पहले आप किसी चीज़ के बारे में नॉलेज हासिल करने की कोशिश करते हैं कि वो चीज़ है क्या, ठीक है, उसके फैक्ट्स क्या हैं, उसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट जेन में लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उसको हम नॉलेज स्टेज कहते हैं। एट द नॉलेज स्टेजेस मोस्ट थिंकिंग टास्क रिक्वायर स्टूडेंट्स टू रिकोगनाइज और रिमेंबर की फैक्ट्स। हम चीज़ों को रिकोगनाइज करने की और उनके बारे में रिमेंबर करने की कोशिश करते हैं। द नॉलेज लेवल कॉल्स फॉर द स्टूडेंट टू अटेंड टू इन्फॉर्मेशन की जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली है उसको गौर से पढ़ें, देखें, उसको रिपीट करें, ठीक है, उसके फैक्ट्स को रिसाइट करें, बार बार जो है वो जहन में दोहराएं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई मैथ्स है तो उसके फार्मूलाज को याद करें, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई एक्टिविटीज़ हैं तो रिकॉल करें, डिफाइन करें, रिकोगनाइज करें, प्रैक्टिस करें, ड्रिल करें। ड्रिल होती है मश करना किसी चीज़ के बारे में। और टू आइडेंटिफाई कॉन्सेप्ट्स दैट आर एट द फ्यू नॉलेज लेवल थिंकिंग स्किल्स, ठीक है। यानी ये तमाम चीज़ें जो हैं वो नॉलेज लेवल थिंकिंग स्किल्स में आती हैं। रिकॉल करना, डिफाइन करना, रिकोगनाइज करना, प्रैक्टिस करना, ड्रिल करना, आइडेंटिफाई करना। जब आपको किसी चीज़ का नॉलेज मिल जाता है तो नेक्स्ट स्टेज पे आप उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अंडरस्टैंड किसी चीज़ को आप तब कर सकते हैं जब आप उसकी मीनिंग को कॉम्प्रीहेंड कर लें। कॉम्प्रीहेंशन आपको किसी भी चीज़ के बारे में हो जाए कि एक्चुअली ये क्या है, ठीक है। नॉर्मली जैसे फॉर एग्जांपल कोई वर्ड है तो उसको डिकोड करना कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। आप इसमें ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं इंफॉर्मेशन को, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और कॉम्प्रीहेंशन थिंकिंग इन्वॉल्व्स इंटरप्रेटिंग द मीनिंग ऑफ ए ग्राफ और ए डायग्राम और डिकोडिंग अ वर्ड। जब आप नॉलेज भी हासिल कर लेते हैं, जब आप उसको अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप पे आप उस चीज़ को अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने का क्या मतलब है कि जो भी आपका प्रॉब्लम एट हैंड है उसमें आप वो चीज़ अप्लाई करते हैं और फिर ये देखते हैं कि क्या नाम है वो सोल्यूशन कोई निकलता है या नहीं निकलता। देन यूजुअल एट द एप्लीकेशन स्टेज कैन ट्रांसफर नॉन इन्फॉर्मेशन टू एप्लीकेबल सिचुएशन। इन इफेक्ट दे मस्ट थिंक एंड डिसाइड हाउ इन्फॉर्मेशन कैन बी अप्लाई टू सिचुएशन अदर देन दोज प्रेजेंटेड। नॉर्मली जो हमने चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है उसी तरीके से वो बहू हम अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि सिचुएशन डिफरेंट होती हैं। तो वो हमने सोचना होता है कि उस नॉलेज को और जो आपको कॉम्प्रिहेंशन हुई है किसी चीज़ को उसको किस तरीके से अप्लाई करना है और किस स्टेज पे जाके अप्लाई करना है। इंडिविजुअल्स आर गिवन जनरलाइजेशन एंड आर रिक्वायर्ड टू मेक एप्लीकेशन एंड एक्सप्लेन रिलेशनशिप। जब आप अप्लाई भी कर लेते हैं तो उसके बाद आप एनालाइज करते हैं कि क्या जो सोल्यूशन निकला है वो सही है या नहीं है, या अगर ये है कि चीज़ों को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करके हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, डिफरेंट पीसेज में करके आप किसी चीज़ को आसान करके जो है वो कोई फॉर एग्जांपल बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म का टास्क है तो उसको छोटे हिस्सों में डिवाइड करके स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन स्टेप ठीक है करते हुए एट ए टाइम जो है वो उसके गोल को हासिल करने की कोशिश करते हैं। एट द एनालिसिस स्टेज स्टूडेंट मस्ट थिंक अबाउट द How to divide a whole into component elements. Generally, this level include finding comparison and relationship between the parts of the whole concept. ठीक है, students are required to break down complex information or ideas into simpler parts. Synthesis क्या होता है कि जो मुख्तलिफ parts हैं उनको इकट्ठा करके combine करके ठीक है जोड़ना। Synthesis means considering individual elements together to conclude. फिर हम conclusion पर पहुँचते हैं, थीम्स को आइडेंटिफाई करते हैं और कॉमन एलिमेंट्स को डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यानी कि आप पार्ट्स को होल की तरफ लेकर जाने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है एवेल्युएट करना। एवेल्युएटिंग मींस जजमेंट अबाउट समथिंग ऑन क्राइटेरिया एंड स्टैंडर्ड, कि किसी भी क्राइटेरिया को जहन में रखते हुए आप ये देखते हैं कि जो सोल्यूशन आपने निकाला है वो सही है या नहीं है। This requires checking and critiquing an argument or concept from an opinion about its value. Often this is not clear or correct answer to this type of question. Rather it's about making a judgment and supporting it with reason and evidence. ठीक है कि सबसे पहले आपने किसी चीज़ का नॉलेज लिया, फिर आपने उस चीज़ को समझने की कोशिश की, फिर आपने उसको अप्लाई किया, फिर आपने एनालाइज किया, ठीक है। फिर उसके बाद जब आपने एनालाइज किया यानी उसको ब्रेक डाउन किया डिफरेंट पार्ट्स में तो फिर उसके बाद आप सिंथेसाइज करते हैं, यानी कि पार्ट से होल की तरफ जाने की कोशिश करते हैं और एंड पे आप एवेल्युएट करते हैं कि जो आपने सोल्यूशन निकाला है वो सही है या नहीं है।
फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? एनी डिस्क्राइबेबल रेगुलरिटी ऑफ रियल और इमेजिन्ड इवेंट, किसी चीज़ का जहन में खाका बनाना और उसको लफ्ज़ों के ज़रिए इजहार करना जो है वो कॉन्सेप्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं बर्ड, तो बर्ड से आपके जहन में क्या आता है कि मतलब कौन सी चीज़ आपके जहन में आती है, तो वो आपका उस चीज़ के बारे में कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके से फॉर एग्ज़ाम्पल एक जहन में आपके कॉन्सेप्ट है चेयर, तो चेयर जब आप वर्ड बोलते हैं तो आपके जहन में क्या आता है, जो भी आपके जहन में आएगा वो कॉन्सेप्ट कहलाएगा। कॉन्सेप्ट क्या होता है? एनी डिस्क्राइबेबल, यानी कि जिसको आप लफ्ज़ों से बयान कर सकें, रेगुलरिटी ठीक है ऑफ रियल और इमेजिन्ड इवेंट, चाहे वो चीज़ दुनिया में मौजूद है या वो चाहे वो चीज़ दुनिया में मौजूद नहीं है, आपने इमेजिन की है। बहुत सारी चीज़ें हम अपनी फैंटेसी वर्ल्ड में रखते हैं जिनका हकीकत में कोई वजूद नहीं होता, लेकिन हमने अपने बारे में वो कॉन्सेप्ट्स बनाए होते हैं या चीज़ों के बारे में वो कॉन्सेप्ट्स बनाए होते हैं। ये ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी है कि वो किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो बना सकता है। इट्स अ हाई ऑर्डर मेंटल प्रोसेस, ठीक है, जो कि किसी भी इंफॉर्मेशन के ऊपर एक्ट ऑन करने के ऊपर मबनी होता है। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन रेफर्स टू द हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेसेस दैट एक्ट्स ऑन इंफॉर्मेशन दैट हैज़ बीन परसीव थ्रू आवर सेंसरी ऑर्गन्स एंड इनकोडेड एंड स्टोर्ड इन मेमोरी, के जो भी आपने अपने जहन में किसी चीज़ को जो है वो इनकोड किया है थ्रू सेंसरी ऑर्गन्स और फिर स्टोर किया मेमोरी में, उसके ऊपर ये जो है हमारे कॉन्सेप्ट मबनी होते हैं, ठीक है। इट इज़ अ टोटल ऑफ व्हाट वी नो अबाउट द ऑब्जेक्ट, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में आप क्या जानते हैं उसका जो है टोटल जो है वो कोई भी कॉन्सेप्ट कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी ये बिरयानी की बिरयानी है, तो बिरयानी क्या है, किस तरीके से बनती है, तो वो सारा जो कॉन्सेप्ट आपके जहन में आएगा, ठीक है, वो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो शामिल होंगी, तो वो यानी कि टोटल होगा जो भी आप उस ऑब्जेक्ट के बारे में जानते हैं। जैसे आपके जहन में आएगा कि बिरयानी बनती कैसी है, कैसे है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें डलती हैं, किस तरीके से इसको पकाते हैं, ठीक है, तो इसलिए जो है इट्स अ हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेस। ये नॉर्मली डायनेमिक होता है और वक्त के साथ साथ चेंज होता रहता है, ठीक है, और ये कॉग्निशन का हिस्सा है। इसकी अगर आप प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले हम चीज़ों को ऑब्जर्व